आगे ये निरूपण हुआ कि जब भगवत भजन इतना उत्तम है तो क्यों सभी उसमें प्रवृत्त नहीं होते हैं। इसका निराकरण बुद्धावतारे तदुना हरऊ तद्वशगासुरा वहां से लेकर तेषाम कर्मवशानाम ही भव एव फलिष्यति यहां तक किया। मोहक शास्त्रों के कारण लोग भ्रमित होते हैं और उनके दुष्कर्म हैं जो उनको इन मोहक शास्त्रों की ओर ले जाते हैं, ये मुख्य कारण है। अभी उस संबंध में कुछ शंका समाधान और महाप्रभु कर रहे हैं कि ननु तानि शास्त्राणि ज्ञान प्रतिपादकानि क्वचित कर्म प्रतिपादकानि चित्त शुद्ध्यर्थम क्वचित भक्ति प्रतिपादकानि च कथम मोह प्रतिपादकानि, ये आशंका कर रहे हैं कि ये जो शास्त्र इन्होंने प्रवृत्त किए हैं वो शास्त्र उनमें से कुछ ज्ञान के प्रतिपादक हैं, कुछ कर्म का प्रतिपादन करने वाले हैं, और ऐसा कहते हैं कि इन कर्मों को करने से कर्मकर्ता का चित्त निर्मल होता है, और कुछ भक्ति का भी प्रतिपादन करते हैं। तो आप इन शास्त्रों को मोहक शास्त्र क्यों कहते हो, ये यहाँ प्रश्न है। अब ये जो सवाल इससे पहले अन्वय भाव ने भी किया था और प्रीतिबेन ने भी किया था वैष्णव संप्रदायों के बारे में, रामानुज माध्व निम्बार्क, कुछ उसी नेचर का ये भी प्रश्न है कि वो सभी कुछ न कुछ सन्मार्ग का ही उपदेश दे रहे हैं। ऐसी उलूल जुलूल बातें कहीं कही नहीं जा रही है। तो महाप्रभु कहते हैं कि इस बारे में इसको उसकी तह से समझ लेना चाहिए, मूल से, कि कर्म ज्ञान भक्ति ये सब क्या हैं, ये मार्ग क्या हैं, और ये मार्ग किस तरह से फलदान करते हैं, उसको उसके मूल से समझ लेना चाहिए। ज्ञान निष्ठा तदाज्ञेया सर्वज्ञो ही यदा भवेत्, कर्मनिष्ठा तदा गया यदा चित्तम प्रसीदति, भक्तिनिष्ठा तदा गया यदा कृष्ण प्रसीदति। आप ये कह रहे हो कि मैं जिनको मोहक शास्त्र कह रहा हूँ वो मोहक शास्त्र ज्ञान कर्म भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, यानी साधन के रूप में वो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग कर्म मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए वो मोहक शास्त्र नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं
कि देखो जिनको आप ज्ञान मार्ग यानी कि इस समय मायावाद को दृष्टांत में लेकर महाप्रभु कह रहे हैं कि जो मायावाद है उनकी क्या स्थिति है। शंकराचार्य जी का ऐसा कहना है कि 10 लोग नहाने गए, फिर जब नहा के सब बाहर आए तब एक ने गिना कि कितने लोग हैं। सबको गिनने के बाद उसको उसने पाया कि 9 हुए, तो रोने लगा कि एक डूब गया एक डूब गया। फिर कोई समझदार आदमी आया, उसने कहा कि क्यों रो रहे हो, तो कह के एक डूब गया। फिर उसने गिना, सबको गिनने के बाद पहले जो गिन रहा था उसको कहा दशमस्तमसी, तू दसरा दसवां है। तो जैसा ही उसने कहा कि तू दसवां है तो खुश हो गया, हाँ बच गए कोई नहीं डूबा। उसने अपने आप को नहीं गिना था, और जैसे ही दशमस्तमसी ऐसा शब्द एक सज्जन के मुंह से निकला सो ही उसे अपने अस्तित्व का बोध हो गया। शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं कि उसी तरह जब कोई ज्ञान साधना करता है और गुरु प्राप्त होते हैं तो गुरु उस शिष्य को कहते हैं कि तत्त्वमसि, तू वह है। ऐसा सुनने के साथ ही जो ज्ञान साधक है उसे ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति हो जाती है। जैसी अपरोक्षानुभूति या जैसा साक्षात्कारी ज्ञान, नहाने गए 10वें जो 10 लोग थे उसमें 10वें को हो गया कि हाँ मैं 10वां हूँ, तो गुरु के मुख से ऐसा सुनने के साथ ही शिष्य को साक्षात ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। अब चलो ठीक है, हम भी कहते हैं कि सानिध्य मात्र दस्य श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति दह, महाप्रभु के सानिध्य मात्र से कृष्ण प्रेम हो जाता है। ऐसे किसी के भीतर इस तरह से ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति हो गई हो, पर अपरोक्षानुभूति ब्रह्म की हुई है उसमें प्रमाण क्या, क्योंकि कृष्ण प्रेम में तो हमें पता चलता है कि संसारासक्ति छूट गई है और कृष्ण भजन में आजीवन वो तत्पर हो गया, वो तो दिखला ही देता है। उसी तरह तत्वमसी से ब्रह्म का साक्षात्कारी ज्ञान हो गया, इसका प्रमाण क्या। तो महाप्रभु कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा तदा गया सर्वज्ञो ही यदा भवेत, ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हुआ है उसमें प्रमाण यह है कि ब्रह्म का ज्ञान होने पर ब्रह्म सर्वरूप है तो सर्व का ज्ञान उसे हो जाना चाहिए। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, ब्रह्म सर्वरूप है तो ब्रह्म का ज्ञान होने पर उस व्यक्ति की सर्वज्ञता होनी चाहिए। तो जिसे ये तत्वमसी का उपदेश दे रहे हैं क्या वो सर्वज्ञ हो जा रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो ये सब बेवकूफ बनाने की बातें। तो जो ऐसा सोच रहे हैं कि ये ज्ञान मार्ग का उपदेश दे रहे हैं आप, उसके मोहक शास्त्र क्यों कह रहे हो, तो यही तो मोहक है, इससे बड़ा और मोह क्या हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं ऐसा इश्तेहार आया एडवर्टाइजमेंट, 30 रुपये में रेडियो। अब 30 रुपये में रेडियो मिलता हो तो कौन नहीं लेना चाहेगा। तो वीपी से उसे मंगाया, 30 रुपये रेडियो के और 60 रुपये वीपी चार्ज पार्सल का। अब 90 रुपये में रेडियो उनके घर पहुंचा और जब उसको खोल कर देखा रेडियो चला भी सही, खुश हो गए कि चलो बहुत सस्ते में पड़ा। उसके बाद एक अगरबत्ती बेचने वाला निकला, उसने कहा हमारी अगरबत्ती के साथ स्कीम है। तो
बताओ क्या स्कीम है कि 30 रुपए में एक पैकेट और रेडियो फ्री। तो लाओ मुझे चाहिए, रेडियो प्रेमी था वो, और अगरबत्ती का पैकेट खरीदा तो वही रेडियो फ्री में मिला। ऐसा कि ऐसा रेडियो जो उसने 90 रुपए खर्च कर लिया था। अब आयम एव महामोह, आप ये कहते हो कि ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं, तो ज्ञान हो तो सर्वज्ञता सिद्ध होनी चाहिए, तो बेवकूफ ऐसे बनाते हैं, ज्ञान के नाम पे कुछ भी देते हैं। अब 30 रुपए के नाम पे जो दिया है वो मुफ्त में मिल रहा है अगरबत्ती के साथ, ऐसा ज्ञान आपको चाहिए था, ऐसा ज्ञान सिद्ध होगा तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि वो जो ज्ञान की बातें हैं वो केवल झांसा देने के लिए है, उसमें ज्ञानवान कुछ होता नहीं है। जितने भी ये पावर ड्रिंक होते हैं, वो रामदेव जी और राजीव दीक्षित का अगर प्रवचन हम सुने तो हमें पता चले कि वो क्या वस्तु है। ये क्या कहते हैं वो बॉर्नविटा और बूस्ट, ऐसी सब चीज़ें, उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? कपासिया, मूंगफली, उसमें से तेल निकलने के बाद जो कचरा होता है वो उसका रॉ मटेरियल है। अब उसमें थोड़ा बहुत टेस्ट मिलाने के साथ ही हम समझेंगे ओ द बूस्ट इज द पावर ऑफ माय एनर्जी, ऐसे। अब इसमें क्या एनर्जी, कचरा खा रहे हो आप, उसमें क्या पावर है, क्या एनर्जी है? कुछ पावर एनर्जी नहीं है। इसलिए रामदेव जी ने फिर खुद का रामदेव पावर निकाला है कि अगर आपको खाना ही है तो परदेशी कंपनी का कचरा मत खाओ, स्वदेशी का कचरा खाओ। तो अयम एव महामोह, जो पावर के नाम पे कुछ भी जा रहा है, कचरा है तो भी पावर के नाम पे खा रहे हैं, जाओ कचरा खाते हैं। क्योंकि गोरे साहब ने कहा है ना कि इससे पावर मिलता है, गोरा वाक्य प्रमाणम, ऐसे करके लग पड़े। तो ऐसे थोड़ी कुछ होता है, एक आध दो महीना खाने के बाद आपने कुछ पावर बढ़ा, टेस्ट की कि नहीं, तब तो पता चलेगा कि पावर हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान अगर सिद्ध होता हो तो सर्वज्ञता उसका फल है। तत्वमसी सुनने के बाद ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हुआ तो सर्वज्ञता तो आपको दिखलाई देनी चाहिए, सबका ज्ञान हो जाना चाहिए, वो कहाँ हो रहा है? इसलिए कहते हैं यस्मिन विदिते सर्वम इदम विदितम इति इति, जिसको जान लेने के बाद यह सब कुछ जाना जाता है, जान लिया जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। ये निदर्शन जो है वो कर्मणि इव ज्ञाने पे निदर्शनानाम युक्तत्वात्। कर्म मार्ग में ऐसा है कि कोई कर्म आपने अनुष्ठान किया, वो सफल हुआ या निष्फल हुआ, उसके लिए कुछ उसके निदर्शन बतलाए गए हैं, यानी जांचने के कोई उपाय। क्योंकि कर्म जो सकाम कर्म होते हैं वो इतने बड़े समारोह पूर्वक किए जाते हैं, उसमें इतनी सब सूक्ष्मताएं, कई चीज़ों का उपयोग होता है कि करने वाला परेशान परेशान हो जाता है, और इतनी सावधानी से, उत्साह से, बड़ी आशा बांध कर वो कोई कर्म करता है, कर लेने के बाद उसे ये कैसे पता चलेगा कि उसका कर्म सफल हुआ कि नहीं? तो वो कर्म स्वयं ही उसके निदर्शन बतलाता है। यथा कारीर्याम अश्वमूत्रणादिकम, कारीरी यज्ञ है वो वृष्टि कामो कारीर्याम यजेत, ऐसा कहा गया है। आप अकाल पीड़ित हैं, बरसात चाहते हैं तो कारीरी नाम का यज्ञ करें। यज्ञ संपन्न हुआ, अब सफल हुआ कि नहीं हुआ वो यज्ञ, यानी उसका परिणाम पैदा होगा कि नहीं, ये कैसे तय होगा? तो उस यज्ञ में एक विधि बतलाई जाती है जिसमें एक अश्व को लाया जाता है, वो अश्व संपन्न होने के बाद पेशाब करता है तो समझना कि ये सफल हुआ और अब बरसात होगी, अगर पेशाब नहीं करता है तो यज्ञ विफल।
ये उसका निदर्शन है। राजकोट में एक वल्लभ वंशज ने ही कारीरी यज्ञ किया था कई साल पहले, लगातार 4-5 साल तक अकाल हुआ सौराष्ट्र में, तो एक वल्लभ वंशज ने ही वो यज्ञ किया, कारीरी यज्ञ शास्त्री मैदान में। अब हमारे यहाँ महाप्रभु जी के हिसाब से तो सकाम यज्ञ अन्याश्रय है, किया सर्वभूत हिते रता, हम तो सबके कल्याण के लिए हैं, तो अन्याश्रय का दोष भी हम लेकर परोपकार किए बिना नहीं रहेंगे। अब उसमें ये विधि थी, वो यज्ञकर्ताओं ने कही कि ये विधि होगी, अब वो अश्व तो खड़ा रखा पर पिशाब भी नहीं करे तो करे क्या, सब लोग बाहर देखकर खड़े हैं कब पिशाब करेगा, हजारों लोग शास्त्री मैदान में ये देख रहे हैं कब पिशाब करेगा, पिशाब करेगा। उसे कहा जल पिलाओ इसको, अब अश्व के मैं नहीं पीऊंगा जल। ऐसा सीन क्रिएट हुआ और यज्ञ हो जाने के बाद भी 2 साल और अकाल पड़ा। अब वो विफल हो गया क्योंकि अश्व ने पेशाब नहीं की। ऐसी सब फनी बातें। यथा वा दीर्घ सत्रारंभे अपूपदाह, सत्र उसे कहते हैं जो लंबे समय तक कोई यज्ञ चलता है, कई सालों तक चलता है, वो इतना लंबे समय तक जो सत्र चलता है उसमें कामना भी ऐसी बड़ी से भारी भरकम होती है, उसकी सिद्धि के लिए वो सत्र आरंभ होता है। अब वो सत्र सफल हुआ या नहीं, तो उसमें कहा गया कि भी उस सत्र में जो यज्ञ किया जाता है उसमें अपूप यानी वो गुड़ और चून को मिलाकर जो तलकर पुआ बनाए जाते हैं, पुआ के अहिया शू कह है ना पुआ, हाँ, तो गुड़ से जो पुआ बनते हैं उसको होमा जाता है। अब वो पुआ का नेचर ऐसा है कि वो इतनी जल्दी से वो जलती नहीं, जलता नहीं है, अगर वो पूर्ण रूप से जल गया, राख हो गए, तब तो समझना कि ये सत्र है वो सफल हुआ, अन्यथा विफल हुआ। तो कर्म की सफलता या विफलता के बारे में कर्म मार्ग स्वयं कुछ निदर्शन देता है जिससे कि हम जांच सकते हैं कि ये कर्म सफल होगा कि नहीं होगा। छोटे मोटे कर्मों में भी, जैसे वो धुंधुकारी के मुक्ति के लिए मंडप बनाते हैं कथा व्यास के आगे, उसमें बांस की मंडप में गांठें लगाते हैं, वो गांठें टूटनी चाहिए, अगर वो गांठें टूट गई तो समझ लेना कि धुंधुकारी मुक्त हो गए, गांठें नहीं टूटी तो कथा विफल। अब वो गांठें कैसे टूट सकती हैं वो कथा व्यास अच्छी तरह जानते हैं कि उनको कैसे बांधनी, कहाँ बांधनी और बांस कैसा चूज करना, वो तरीका वो जा बताते हैं, वो टूटेंगी। इसी तरह पिंडदान करते हैं तो कौआ वो पिंड को ले जाता है तो समझना कि वो पिंड आपका पहुंच गया और आपके पितर वो तैर गए, और अगर कौआ नहीं ले गया तब तक बैठे रहो, बुलाओ कौए को कहीं से खोज खाज करके, ले जा ले जा ले जा। उसके लिए पिंडदान ऐसी जगह करोगे जहाँ बहुत सारे कौए हों और भूखे हों, पहले से उनको किसी ने खवा न दिया हो। अब ये सब निदर्शन है सफलता के और विफलता के। तो कर्म मार्ग तो ये बताता है, अब कर्म निष्ठा तदाज्ञेया, ये कर्म के जैसे निदर्शन है ऐसे ही ज्ञान के भी निदर्शन है कि ज्ञान सिद्ध हुआ कि नहीं, तो सर्वज्ञता हुई तो ज्ञान सफल हुआ, सर्वज्ञता नहीं हुई तो आप कुछ ऐसे ही उठपटांग कुछ भी सुन लिया है आपने, ज्ञान नहीं है वो। अब आगे आज्ञा करते हैं कि तेजोपि निदर्शनम, जैसे सर्वज्ञता एक निदर्शन है उसी तरह जिसे ब्रह्मज्ञान सिद्ध होता है उसका तेज भी हमें ये बतलाता है कि इसे ज्ञान सिद्ध हुआ है, वो ब्रह्म तेज उसमें प्रकट होता है। तस्मात् नैतज ज्ञानम इति ज्ञातव्यम,
इसलिए ये जो दावा करते हैं कि हमारा शास्त्र मोहक शास्त्र नहीं, हम तो ज्ञान आपको दे रहे हैं, वो उनकी केवल गप्पे हैं, वो ज्ञानवान कुछ नहीं है। क्योंकि ज्ञान होने पर सर्वज्ञता होनी चाहिए। इसी प्रकार जो कर्म का उपदेश दे रहे हैं कि हम कर्म मार्ग बतलाते हैं, जैसे आजकल ऐसे कोई अश्वमेध यज्ञ करता है, कोई राजसूय यज्ञ करता है, कोई वाजपेयी यज्ञ करता है, अनेक सोम यज्ञ करते हैं लोग। ऐसे नवीन नवीन हमारे यहाँ हालोल में एक ऐसी परंपरा है कि यहाँ के लोग अमेरिका बहुत जाते हैं, और अमेरिका से जब पहली बार 2-4-5 साल में कुछ कमा कर आते हैं तो उनका उनके मन में ऐसा होता है कि हम ऐसा कुछ करें कि हम कमा कर आएँ वो लोगों को पता चले। तो वो कुछ पैसे खर्च करने के लिए ऐसा नया कुछ स्टंट चाहते हैं। तो पुराने समय में ये होता था कि ब्राह्मणों का भोजन होता था और ज्ञाति का भोज होता था या वैष्णवों का भोज होता था। तो गांव में जितने वैष्णव उनको जिमाया जाए, ज्ञाति को जिमाया जाए, ब्राह्मणों को जिमाया जाए, तो पता चल जाता है कि भी अमेरिका से कमा कर आया है। शादी ब्याह करते हैं वहाँ से आके, तो उस ज़माने में यहाँ गोधरा में एक SRP की बैंड बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, काफ़ी वो पैसे लेते हैं। अगर किसी की शादी में वो SRP की बैंड आई तो समझ लो कि पैसा कमा लिया है इसने, या उसका प्रमाण है। अभी ये सब बहुत पुराना हो गया, अब उसमें लोगों का इतना आकर्षण नहीं रहा। तो अब वो आते हैं तब ये सोचते हैं कि अब कुछ ऐसा नया करो कि जो हमारे से पहले किसी ने न किया हो। तो अब कोई चुंदड़ी मनोरथ करता है, कोई 56 भोग करता है। अब 56 भोग चुंदड़ी मनोरथ भी आउट ऑफ फैशन हो गए, बहुत हो गए, सब लोग अब उसमें भी इतना आकर्षण नहीं है। क्योंकि वो 56 भोग इतने दिनों पहले से बनना शुरू होता है कि जब सर के प्रसाद आता है तब वो मुंह में रखने लायक होता ही नहीं है। और जो अमेरिका से लोग आते हैं उनको तो वो पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले होते हैं, उनको ये मथड़ी मोहनथाल सुहाते भी नहीं है, तो वो वेस्टफुल है पूरा, तो उनको उसमें आनंद नहीं आता है। तो कोई उनको टूर पर ले जाते हैं। एक को किसी के मन में विचार आया कि हम सोम यज्ञ करें, अमेरिका से आए तो कुछ तो करेंगे ना, तो उनको सोम यज्ञ का मनोरथ हुआ। तो अब उन्होंने, अब देखो सोम यज्ञ किसके लिए होता है वो सर्वनिर्णय के आरंभ में महाप्रभु ने समझाया है कि सोम यज्ञ क्या है, कौन कर सकता है। अब यहाँ तो बैठे बैठे अमेरिका से आए, हमें कुछ नया करना है, तो चलो सोम यज्ञ कर डालते हैं। किसी ने कहा कि ये कर डालो, ये यहाँ आज तक हुआ नहीं है। तो जैसे कोई जादूगरी का खेल हो या कोई हास्य दरबार हो, कोई नौटंकी करानी हो, उस तरह से ये सब कर्म अब फैशन में आए हैं कि चलो अब हम कुछ ऐसा नया करते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि नापि तदुक्त प्रकारेण कर्माणि फलम प्रयच्छति। आप ऐसा समझते हो कि ऐसे कर्म करने से कर्म सफल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यजधातोर भगवत पूजार्थस्य स्वरूपाज्ञानेन वृथाकरणात्। जो यज्ञ है उसमें जो यज पद है जिससे यज्ञ शब्द बनता है, उस यज का मतलब होता है भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, ये उसका अर्थ है शब्द का। यानी अब मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। इस बात को समझे बिना अमेरिका से मैं आया हूँ और मुझे पैसे इस तरह से खर्च करने हैं कि लोग मुझे जान लें, एक हो जाए सोम यज्ञ, चलो हो जाए कारीरी यज्ञ, ऐसे कोई फरमाइशी प्रोग्राम की तरह कोई यज्ञ का तमाशा कर दो और ये समझते हो कि उससे यज्ञ संपन्न हो जाएगा, मूर्ख शिरोमणि हो आप। ये वृथा है सब। इसी तरह यज्ञादि नाम अनित्यत्व भावनाच, ये जो यज्ञ मार्ग का प्रवर्तन करते हैं वो कहते हैं कर्म अनित्य है, नाशवंत है। ये मीमांसकों के ऊपर महाप्रभु का कटाक्ष है।
ऐसे यज्ञ सफल नहीं होते। श्रुत्युक्त प्रकारेण पदार्थ ज्ञान निराकरणाच्च, वेदों ने कर्मों का जो स्वरूप हमें समझाया है उसी तरह उस पद का जो हमें अर्थ समझाया है उसके साथ विरोध होने के कारण ये आजकल निकल चले जो कर्म मार्ग के प्रकार हैं वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। अतो यागादिकमपि कृत्वा लुब्धा एव भवन्ति न चित्त शुद्धिम लभन्ते। ये लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म से क्या होगा, कर्म से चित्त निर्मल होगा, पर यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि इतने बड़े बड़े यज्ञ कर्म करने के बाद भी लोभ खत्म नहीं हो रहा है, चित्त शुद्धि नहीं हो रही है, लोभ बढ़ता ही जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा हुआ, वल्लभ कुल में एक गोस्वामी ने यज्ञ सोम यज्ञ शुरू किया। अब शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो सोमयाजी होता है वो उम्र में कोई उससे बड़ा आए तो भी उसको नमस्कार न करे तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो दीक्षित है। अब उसने और सब नियम पढ़े, इस नियम को थोड़ा ध्यान से पढ़ा। अब कोई उनसे सीनियर गोस्वामी उनके पास आया तो उनका उन्होंने प्रणाम नहीं किया। अब वो उसका बड़ा भाई था, मौसाई, उसको लगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, आज तक तो जब भी मिलते थे नमस्कार कर रहा था, अब ऐसा क्या अहंकार आ गया है। फिर उन्होंने खोज खप्पड़ की, उसने पढ़ा कि हाँ ये जो दीक्षित होता है अग्निहोत्री वो दूसरे को नमस्कार नहीं करे तो चलता है, ऐसा लिखा। अच्छा, तो अब तो हम नीचे हो गए, अब मुझे भी बक्कर के बताना है सोमयज्ञ। अब उन्होंने ये सोमयज्ञ चालू किए, 1, 2, 3, 4 धड़ाधड़ सोमयज्ञ। एक बार बम्बई में श्यामदा के यहाँ, श्यामदा को सूतक था, बड़े मंदिर पधारे थे, मैं वहाँ घर पर था, वो अचानक वो पधारे, कहाँ है दादा, मैं अभी तो ऐसा है इसलिए वहाँ पधारे हैं। अचानक बोले, बाबा आप सोमयज्ञ करोगे? नहीं, क्यों, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं थोड़ी सोमयज्ञ कर सकता हूँ, आजकल सब चलता है, मेरी इच्छा है कि जलगड़िया भीतरिया तक सबको सोमयज्ञ करा दूं। मैं कहूँ ऐसी क्यों इच्छा है, फिर वो किसी को नमस्कार नहीं करें तो भी चलेगा। मैंने कहा कि ये कौन सी ये ऐसी पीड़ा है कि जो जलगड़िया भीतरिया को भी सोमयज्ञ कराने पर वो सवार हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग कर लें सोमयज्ञ, फिर क्यों ही किसी को नमस्कार नहीं करे तो चलेगा। उनको इतनी चोट लगी उस दिन। अब ये सोमयज्ञ इस तरह से हो रहे हैं, और श्रुति ये कहती है कि ये तो भगवत आराधना है। यज धातु का अर्थ भगवत पूजा होती है, पूजा के रूप में आप करते हैं, वो अधिकार हो तब वो सफल होता है। इस तरह से कोई किसी को नमस्कार न करे, उससे आहत होकर और सोमयज्ञ की झड़ी बरसा दें, ये कहाँ का न्याय है। और सबसे ध्यान देने की बात ये है कि पिता ने यदि सोमयज्ञ नहीं किया है तो उसका पुत्र सोमयज्ञ नहीं कर सकता है। अगर वो यज्ञ की दीक्षा विच्छिन्न हो गई है उसकी परंपरा तो उसको पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। बड़े भाई ने नहीं किया है तो छोटा भाई नहीं कर सकता है। यस्य पिता पितामहो वा सोमम न पिबेत सव्रात्यः, जिसके पिता और पितामह ने सोम यज्ञ नहीं किया है वो व्रात्य है, सर्व कर्म बहिष्कृत है, वो कर ही नहीं सकता है। वह ब्राह्मणों को कहेंगे तो ब्राह्मण तो ऐसी जाते हैं ना कि वो चंडाल से भी सोमयज्ञ करवा देगी। ठीक है, व्रात्यता का प्रायश्चित हम आपको बता देते हैं, गंगा स्नान करी आइए, यमुना पान करी आइए, 2-3 व्रत कर लीजिए, इतना हमें ब्राह्मण को दक्षिणा दे दीजिए, अब आप योग्य हैं, करो। शास्त्र ये कहता है कि यस्य पिता पिता मोहो वा सोमम न पिबेत सव्रात्य, वो अब आगे सोमयज्ञ नहीं कर सकता है, वो अग्निहोत्री नहीं हो सकता है। अब हम किसी को भी जलगड़िया भीतरिया को भी कराने बैठे हैं, शादी नहीं हुई है उसको भी सोमयज्ञ कराने बैठे हैं, तो ये एक जात का खेल है। इस तरह से कर्म सफल नहीं होता है, इसलिए आज्ञा करते हैं कि जो यज्ञ करते हैं उनके अंदर भी यज्ञों के कारण
चित्त शुद्धि होनी चाहिए, उसके बजाय उसका विपरीत परिणाम दिखाई देता है, अहंकार लोभ ये सब उनके अंदर बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। कर्म ऐसे सफल नहीं होता है। अतएव यागादिकमपि कृत्वा लुब्धा एव भवन्ति, उनकी लोभ लालच है वो यागादि करने के बाद भी बने रहते हैं, उनका चित्त निर्मल नहीं होता है। इसलिए जो कर्म मार्ग का उपदेश कर रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, वो भी मोहक शास्त्र ही हैं, बेवकूफ़ी बना रहे हैं, ऐसा तात्पर्य है। अब भक्ति मार्ग की बात है। कुछ कहते हैं कि नहीं, हम भक्ति उपासना बतलाते हैं, आप पूजा कीजिए, आराधना कीजिए अपने इष्ट देव की। कि वो जो कहते हैं कि क्या होगा उससे, कि वो ज्ञान के योग्य आपका मन बनेगा निर्मल, तो कहते हैं कि ज्ञान शेष तया उपदिशंती। मायावादी ऐसा कहते हैं कि भक्ति उपासना आराधना ये सब करने से क्या होगा कि आपका चित्त अनेक विषयों में जो भटक रहा है वो एक विषय में केंद्रित होगा, ऐसा जो निरुद्ध चित्त है उसमें ज्ञान अच्छी तरह से स्थिर होता है। इसलिए ज्ञान के अंगभूत उपासना भक्ति ये बतलाते हैं। वो कब तक करनी, ज्ञान पर्यंत च तत्करणम, जब तक आपको ज्ञान सिद्ध न हो जाए तब तक करो, उसके बाद छोड़ दो। कैसे छोड़ दो, वो शाखा अरुंधति न्याय न, कोई तारा दिखलाई नहीं देता हो तो हम उंगली देखते हैं, देखो इस उंगली के सारे आगे आगे देखते रहो, दिख गया अब उंगली का कोई काम नहीं है, अब उंगली को मत देखो, आपको तारा दिख गया ना। ऐसे भक्ति करो, सेवा करो, भजन करो, ज्ञान सिद्ध हो गया गणपति बापा मोरिया, करो विसर्जन, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भक्ति का उपदेश ये करते हैं। ये कोई भक्ति है? इसलिए कहते हैं कि भावना कल्पितत्वम विषयस्य आहु, और जो जिसका भजन किया जाता है वो क्या है, आपके चित्त को केंद्रित करने के लिए आपने एक विषय को कल्पित रूप से माना है। जैसे कोई कहता है कि आप ऐसा मानो कि आपके सामने कोई दिया रखा है, अब उस दिया की भावना से उसके अंदर आप अपना ध्यान केंद्रित करो, अब वो कुछ भी है कुछ भी नहीं, कल्पना मात्र है, पर चित्त को स्थिर करने के लिए इस तरह से। इसलिए मायावादियों ने या ज्ञान मार्गियों ने उनकी फैशन में जाकर जो भगवत आराधना है, देव पूजा है, उसे प्रतीकोपासना कहा। प्रतीकोपासना का मतलब जिसे हम जिसकी उपासना कर रहे हैं और उसे जो मान रहे हैं वो वह है नहीं, नहीं है फिर भी उसे फॉर द टाइम बींग मानना है, अतत्वे तत्व बुद्धि, इसे प्रतीकोपासना कहते हैं। जो वस्तु नहीं है उसे कुछ कार्य के लिए ऐसा मान लेना, तो ये प्रतीकोपासना हो गई, ये तो आत्मवंचना है। जबकि सर्व कहीं ब्रह्मवाद के सिद्धांत सब कुछ ब्रह्मरूप होने के कारण सभी कुछ वस्तुतः ब्रह्म है, तो ये तो तत्व के साथ एक जात का द्रोह हो रहा है। अतो भगवदर्थम भगवान न सेव्यते इति न कृष्ण स्तुष्यति। पुष्टि मार्ग में भी ये प्रतीकोपासना इन दिनों में ज्यादा फैशन में। आजकल क्या है कि पुराने समय में ऐसा होता था कि अपने सेवा करता की आसक्ति अपने सेव्य में इतनी होती थी कि वो उसका सेव्य स्वरूप चाहे कैसा भी हो, कितना भी हो, श्याम हो, गौर हो, चित्र स्वरूप हो, वस्त्र स्वरूप हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका सर्वस्व होता था, उसके अलावा और दूसरे में उसका मन कभी भी नहीं जाता था, ऐसी स्वरूपासक्ति अपने सेव्य में होती थी। इसलिए मेरे माथे जो स्वरूप विराजते हैं उनके अतिरिक्त तो और किसी सेव्य स्वरूप के बारे में मेरा मन चलित नहीं होता था, क्योंकि प्रभु का भी ये संकल्प है कि मैं इस रूप से इसका उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो सामने परस्पर वर्ण भी उसी तरह का था कि इसी रूप से मेरा भी उद्धार होगा। पर इन दिनों में वल्लभ वंशजों में स्वरूपासक्ति अब नहीं रही, उनकी आसक्ति उनके माथे पर परंपरा से जो भी सेव्य विराजते हों, पर लोगों को अच्छा दर्शन दें ऐसे बड़े स्वरूप, जिन खास करके श्याम स्वरूप, जिनके ऊपर श्रृंगार वस्त्र अच्छे डेकोरेट हो सकें, लोगों को दूर से दिखलाई दे सकें,
ऐसे स्वरूप वो इंपोर्ट करके लाते हैं और उनकी हवेलियां खोलते हैं, और खुद के परंपरागत सेवे पता नहीं कहाँ हैं, उनको पता भी नहीं होता है, उनके हाल देखने के लिए उनको फुर्सत भी नहीं होती है। अब मैंने बहुत निकट से इस बात का अनुभव किया है कि दरवाज़ा खुलने पर ही उनकी पूजा आराधना आरतियाँ होती हैं, बंद होने के बाद एक सामान की तरह वो पैक हो जाते हैं। जैसे शादी ब्याह के मंडप में गणेश जी रिसेप्शन के आगे बैठा दिए जाते हैं ना, वो एक सामान होता है। रिसेप्शन में पीछे श्रीनाथ जी महाप्रभु जी यमुना जी खड़े कर दिए जाते हैं, वैष्णव हैं रिसेप्शन वाला, तो वो एक पुतले होते हैं। उसी तरह हवेली मनोरथ उनके अंदर भी यही ट्रेंड चला है, वो जो ठाकुर जी जिनके मनोरथ वहाँ पर होते हैं कथाओं में, जिनके नंद महोत्सव होते हैं, उनके पलना होते हैं, जो परदेश में या यात्रा में साथ में जाते हैं, वो एक सामान के रूप में पुतला ही होता है, उनकी सेवा नहीं होती है, ये प्रतीकात्मक। अब लोगों में बड़ा मोह है कि ओह ठाकुर जी ने जन्म थे, ओ लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, वो सब नाच रहे नंदगेरा नंद भयो। वो नंदगेरा नंद भयो नहीं, वो एक पुतला है, पर उपचार सब वही किया जा रहा है वहां पर, छप्पन भव भी उसके धराए जा रहे हैं, सब तरह के मनोरथ उसी के किए जा रहे हैं, और होने के बाद सामान में बंद होके और गोडाउन में वो रखा दिया जाता है। परदेश भी ऐसे ले जाते हैं कार्गो में डालकर और बैगेज में डालकर, क्योंकि रिक्वायरमेंट लोगों की ये है कि बड़े होने चाहिए, जो भी हो वो दूर से कई लोग उनको देख सकें। अभी राजकोट में कैसी नौटंकी हुई थी कथा, कोई बहुत प्रभावी ये फार्मास्यूटिकल या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बेचने वाला एक आदमी है, उसने उस कथा का आयोजन किया। उसमें उसकी इश्तिहार में ये आया कि 5000 साल पुरानी मूर्ति बड़ौदा से राजकोट की कथा में आई है, उसने खुद नहीं है इसी तरह से एडवर्टाइज की, और उनको छप्पन भोग धराया जाएगा। 5000 साल पुरानी द्वारकाधीश जी की अशिनाथ जी की मूर्ति इसी तरह से उसने किया, वो वल्लभ कुल खुद वो लेके आया है 5000 साल पुरानी मूर्ति। इतना दावा तो वो श्रीनाथ जी के बारे में भी हमारा नहीं है कि ये 5000 साल पुरानी मूर्ति है। अब वो मूर्ति का पीछे क्या हुआ किसी को पता नहीं, वो कहाँ गई, भारत के पुरातत्व विभाग को भी पता नहीं है, एंटीक्विटी डिपार्टमेंट को भी पता नहीं है कि वो 5000 साल पुरानी गई कहाँ, स्मगल हो गई या उसका चूरा हो गया, क्या हो गया किसी को पता नहीं। ऐसी बेवकूफ बनाने की बातें संसार में चल रही हैं, और हम लोग उसको बहुत बड़ा पुष्टि मार्ग का उत्कर्ष मान रहे हैं। ये भक्ति भाव पुराने समय में नहीं था, इतना लोगों में भक्ति भाव की लहर उठ रही है। ध्यान से देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, भगवदर्थम भगवान न सेव्यते इति न कृष्ण स्तुष्यति, भक्ति निष्ठा तदाज्ञया यदा कृष्ण प्रसीदति। भक्ति निष्ठा तब कही मानी कही जाएगी कि जिस भक्ति से कृष्ण प्रसन्न हो, और कृष्ण कब प्रसन्न होता है, जब कृष्ण के लिए कृष्ण की सेवा की जाती है, कृष्ण की भक्ति की जाती है। जब भक्ति में कृष्ण की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं है तो कृष्ण का संतोष कभी भी हो नहीं सकता है, तब उसे भक्ति मार्ग नहीं कहा जा सकता है। ये उसका निदर्शन है, जैसे आगे बताया ना, सर्वज्ञता ब्रह्म तेज अपूप दाह अश्वमूत्रण या कौए का पिंड ले जाना या बांस की गांठों का फटना, ये सब निदर्शन है। उसी तरह कृष्ण की प्रसन्नता वो भक्ति निष्ठा का निदर्शन है, प्रमाण है। अगर कृष्ण प्रसन्न है तो वो भक्ति है, कृष्ण प्रसन्न नहीं है तब वो भक्ति नहीं है। इसमें प्रमाण क्या, शास्त्र का वचन देते हैं, भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति, कृष्ण तो केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति विष्णुर नान्येन केनचित, और किसी भी बात से विष्णु संतुष्ट नहीं होता है, केवल भक्ति यानी प्रेम से ही होता है। इति वाक्यात्।
तस्मात तदुक्त प्रकारो व्यर्थः, इसलिए जो भी कर्म मार्ग के नाम पर, ज्ञान मार्ग के नाम पर या भक्ति के नाम पर इन लोगों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है वो सब एक नाटक है, उसे मोहक ही मानना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें कहीं कहीं आ जाती हैं, भक्ति का नाम आ जाए या भागवत का नाम आ जाए या मनोरथ या सेवा का नाम आ जाए, उससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई भक्ति है। नाम तो कहीं भी डाल दो। अब आशंका करते हैं, हाँ अन्वय भाव, जैसे हमें कर्म वाको सफल कैसे भयो जानने के लिए बताया हो कि ऐसे तरीके से जान लो कि वाको कर्म सफल, यज्ञ सफल भयो। ज्ञान में बताया हो कि तत्वमसी ऐसा ज्ञान वाको, अगर ब्रह्म रूपता से वो ऐसा ज्ञान हो गया हो तो वो मतलब वाको वो सही है, तत्वमसी को नहीं दिख रहे हो तो वो ऐसा ही है व्यर्थ। तो या मैं कृष्णम तुष्यति, तो मतलब ठाकुर जी प्रसन्न हुए श्री कृष्ण अपने, वा में वाको कैसे अपन जाने। हाँ, ये अच्छी जिज्ञासा है। कृष्ण की प्रसन्नता हमें कैसे पता चल सकती है कि कृष्ण हमने जो किया है उससे प्रसन्न हुए या नहीं? एक तो तरीका यह है कि प्रभु कोई ऐसा सानुभाव जतावें या साक्षात्कार हमें हो कि मैं खुश हूँ। अगर ऐसा कोई प्रतिभाव हमें वहाँ से प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम कृष्ण का परीक्षण न करके अपना तो परीक्षण कर सकते हैं कि हमने ये जो किया है वो कृष्ण के सुखार्थ किया है कि नहीं, कृष्ण भक्ति या प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई हेतु प्रयोजन इसमें जुड़े हुए हैं या नहीं। अगर अन्य कोई हेतु प्रयोजन इसमें जुड़े हुए हों तो हम आउटराइट कह सकते हैं कि भगवान के इस वचन के अनुरोध से हमें ये समझना चाहिए कि प्रभु प्रसन्न नहीं है। और अगर भक्ति के अतिरिक्त तो और कोई इसमें प्रयोजन नहीं है तो प्रभु प्रसन्न है ऐसा हमें मानना चाहिए, अगर प्रभु ऐसा सानुभाव या साक्षात्कार हमें नहीं जताते हैं तो। और कोई उपाय हमारे पास नहीं दिखलाई देता है। मतलब या अपन जो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, मतलब एक तो वही सानुभाव तो बता, मतलब अब ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर अपन को सानुभाव करके बतावें एक ये, और एक अपन अपने प्रभु के सुखार्थ कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं ये अपन जान रहे हैं तो वो प्रभु भी आसु प्रसन्न है। हाँ, ऐसो आपातः अपन मान सकें अगर ये प्रभु सुखार्थ है ऐसो जाने। यानी विरोधी भाव और जिन जिन बातों को निषेध है ऐसे कोई भाव या ऐसे हेतु प्रयोजन कर्ता के मन में नहीं है तो प्रभु की अप्रसन्नता को कोई कारण नहीं है। अब वो प्रसन्नता है वो प्रभु कभी जतावे भी हैं कभी नहीं भी जतावे। जैसे अपने व्यवहार में ऐसे हो कि कभी कोई के यहाँ अपन मेहमान बन के जावें और वहाँ भोजन करें तब तो क्या हो कि वो थोड़े क्षण मात्र की संगत है इसलिए हम उनको बोल देते हैं कि चलो ये अच्छा लगा, ये थोड़ा अच्छा लगा, इसमें हमें आनंद नहीं आया, ऐसा हम कुछ उनको कह दें। तो अब घर में ऐसा नहीं होता है कि रोज़ रोज हम सुबह की चाय कैसी हुई, नाश्ता कैसा हुआ, फिर भोजन कैसा हुआ, शाम की चाय कैसी हुई, यो अष्टप्रहर हम जो हमारी सेवा में है उनको अपने प्रतिभाव नहीं बतला सकते हैं। तो जो ये हमें उपचार कर रहा है हमारे साथ वो इसे कैसे समझता है कि अगर कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं है तो सब ठीक चल रहा है,